हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाने वाली हूँ इंडो चाइनीज़ रेसिपी मंचूरियन फ्राइड राइस, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ही ज़्यादा यम्मी है। और हम इसे बनाने वाले एकदम रेस्टोरेंट या स्ट्रीट स्टाइल में। ऐसी टेस्टी यम्मी मंचूरियन फ्राइड राइस के लिए मैंने लिया है चावल। ये है बासमती चावल, ये एक ग्लास है और ग्राम में अराउंड 250 ग्राम है। उसके अलावा चावल को फ्राई करने के लिए मैंने कुछ वेजिटेबल लिए हैं, उसमें गाजर, शिमला मिर्च, अदरक, हरी मिर्च, लहसुन, नींबू, बीन्स और एक प्याज बारीक कटा हुआ। और ये वेजिटेबल्स हैं मंचूरियन बॉल्स बनाने के लिए। उसके लिए मैंने लिया है बंदा गोभी, गाजर, बीटरूट, बीन्स और शिमला मिर्च। यहाँ पे वेजिटेबल्स आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये है मैदा, कॉर्नफ्लोर जो कि हम लोग मंचूरियन बॉल्स में डालेंगे। उसके अलावा शक्कर, मिर्च पाउडर, नमक, काली मिर्च, टमाटो सॉस, रेड चिल्ली सॉस, सोया सॉस, शेजवान सॉस और थोड़ा सा विनेगर है। सबसे पहले हम लोग चावलों को धो के आधे घंटे के लिए भीगने रख देंगे। अब चावल को मैंने धो के भीगने रख दिया है। अब हम बनाते हैं मंचूरियन बॉल्स। ये है बंदा गोभी, अराउंड 200 ग्राम है। ये डेढ़ गाजर है। उसके अलावा एक शिमला मिर्च है, 7 से 8 बीन्स है जिन्हें मैंने चॉप कर लिया है डाल के। अब मैं इसमें डाल रही हूँ बीटरूट, जिसे मैंने घिस लिया है। बीटरूट से कलर भी बहुत अच्छे से आता है और साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है। अब मैंने डाला है नमक, उसके बाद मिर्च पाउडर, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना। फिर 1 इंच अदरक के टुकड़े को मैं घिस के डाल रही हूँ। डाल के अब मैं इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करके अब हम लोग इसमें डालेंगे मैदा और कॉर्नफ्लोर। इस तरीके से मिक्स करने से इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर आएगा। मॉइस्चर आने से मैदा और कॉर्नफ्लोर डालने के बाद बॉल्स बनाने में आसानी होगी और हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे मैं स्पून से 5 स्पून मैदा डाल रही हूँ। डाल के उसके बाद मैं इसमें डालने वाली हूँ कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर मैं 3 स्पून डाल रही हूँ। यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपको मैदा और कॉर्नफ्लोर कितना लग सकता है। कभी कभी कम भी लगता है, कभी थोड़ा सा ज़्यादा भी लग सकता है। आप चेक करके देख लेना, अगर आपके बॉल्स परफेक्ट नहीं बनेंगे तो आप थोड़ा सा और मैदा या कॉर्नफ्लोर ऐड कर लेना। आप चाहो तो इसमें चावल आटा भी डाल सकते हो मैदा और कॉर्नफ्लोर की जगह। डो बन गया, थोड़ा सा डो उठा के इसका बॉल बना के चेक कर लेना। अगर बॉल बन रहा है मतलब हमारा ये डो रेडी है। अब हम इसके बनाते हैं मंचूरियन बॉल्स। अगर आपके मंचूरियन बॉल बनाते समय हाथ में चिपचिपा हो रहा है, बॉल परफेक्ट नहीं बन रहा है, थोड़ा सा और मैदा या कॉर्नफ्लोर डाल के उसका परफेक्ट डो बना लेना। अब मैं सारे मंचूरियन बॉल्स बना ले रही हूँ। मैं थोड़े से छोटे साइज़ के बना रही हूँ क्योंकि इसको हम लोग राइस में डालने वाले हैं। तो मैंने सारे छोटे छोटे मंचूरियन बॉल्स बना लिए हैं। बना के मैं इसको थोड़ी देर सेट होने के लिए रख दूँगी। अगर आप इस तरीके से बड़े बनाओगे तो उसे आपको काटना पड़ेगा, इसलिए आप पहले ही छोटे बना लेना। अब सारे बॉल बन के रेडी है। अब हम पकाते हैं चावल को। चावल अच्छे से भीग गए हैं, मैंने इनको डाल लिया है छन्नी में। छन्नी में डाल के अब एक बर्तन में मैंने पानी बॉयल होने रख दिया है। पानी हमें थोड़ा सा ज़्यादा लेना है। यहाँ 1 ग्लास चावल था तो मैंने 4 ग्लास पानी लिया है। उसमें मैंने डाला नमक और थोड़ा सा तेल। अब मैं इसमें आधा नींबू निचोड़ रही हूँ। आप चाहो तो इसमें 1 स्पून विनेगर भी डाल सकते हो। नमक डालने के बाद मैंने तेल और नींबू डाला है। तेल और नींबू डालने से चावल खिले खिले बनते हैं। अब पानी में जैसे बॉईल आया उसमें मैंने डाले हैं चावल। चावल डाल के इसे हमें पूरा नहीं पकाना है, हमें ओनली 75% तक कुक करना है। बाकी का 25% हम लोग मंचूरियन बॉल्स और वेजिटेबल्स के साथ पका लेंगे। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करके इसे मैं पकने के लिए रख दे रही हूँ। चावल में बॉईल आ गया, चावल अच्छे से पका है कि नहीं, अच्छे से मीन्स 75% तक पका है कि नहीं चेक कर रही हूँ। अब ये चावल ऑलमोस्ट 75% तक कुक हुआ है। अब मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। ऑफ करके अब मैं इसको निकाल के डाल रही हूँ छन्नी में। छन्नी में डाल के उसके तुरंत बाद हमें इसके ऊपर डालना है पानी। पानी डालने से इसका कुकिंग प्रोसीजर स्टॉप हो जाता है। अगर हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये थोड़ा सा और पकेगा और हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है। अब मैंने पानी डाल के इसको स्पून से थोड़ा सा फैला के पंखे के नीचे रख दिया है। जब तक चावल ठंडे हो जाते हैं हम मंचूरियन बॉल्स को फ्राई कर लेते हैं। मैंने तेल गरम होने रख दिया है। तेल जैसे ही गरम हो गया इसमें मैंने डाले हैं मंचूरियन बॉल्स। डालते समय तेल गरम होना चाहिए, फिर उसके बाद मीडियम हाई फ्लेम पे पलटते हुए इन्हें हमें गोल्डन ब्राउन या क्रिस्पी होते तक फ्राई करना है। अगर हम लोग हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ऊपर से तो ये ब्राउन हो जाएंगे, अंदर से कच्चे रहेंगे, इसलिए मीडियम हाई फ्लेम पे फ्राई करना है। अगर लो फ्लेम पे करेंगे तो तेल बहुत ज़्यादा सोख लेंगे। अब मैंने इनको पलटते हुए अच्छे से फ्राई कर लिया है। ये काफ़ी अच्छे से फ्राई हो गए और गोल्डन ब्राउन भी हो गए, क्रिस्पी भी हो गए। मैंने निकाल रही हूँ प्लेट में। प्लेट में निकाल के इसी तरीके से मैं सारे मंचूरियन बॉल
ट्राई करके रख लूँगी। ये मंचूरियन फ्राइड राइस बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ही ज़्यादा यम्मी है, बच्चे इसे खाना बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। जनरली ये स्टॉल पे या रेस्टोरेंट में अवेलेबल होता है, बट आप इसे घर पे भी बनाइएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। सारे मंचूरियन बॉल्स फ्राई हो गए, मैं इसे निकाल रही हूँ। अब हम बनाते हैं लास्ट मंचूरियन फ्राइड राइस। अब मैंने रखा है पैन, उसमें मैंने डाला है तिल्ली का तेल। अगर आपके पास तिल्ली का तेल नहीं है तो आप कोई भी तेल अब यूज़ कर सकते हो। अब मैंने इसमें डाला है लहसुन। लहसुन के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक घिसा हुआ, इसको थोड़ा सा भून के उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक कटा प्याज। यहाँ पर हमें वेजिटेबल्स को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, जस्ट इनका कच्चापन जाना चाहिए। उसके बाद मैंने डाला है बारीक कटा हरी मिर्च। यहाँ पे मैंने गैस का फ्लेम हाई रखा है, लगातार चलाते हुए इन्हें भुनना है, अदरवाइज़ ये जल जाएंगे। जैसे ये थोड़ा सा भुन गया, अब मैं इसमें डाल रही हूँ वेजिटेबल्स। सबसे पहले मैंने इसमें डाला है बीन्स, उसके बाद गाजर, शिमला मिर्च डाल के थोड़ा सा मिक्स करके अब मैं इसमें डाल रही हूँ बंदा गोभी। चाइनीज़ जितने भी रेसिपीज़ हैं तिल्ली तेल में बनते, इसलिए मैंने तिल्ली तेल का इस्तेमाल किया है। आप जो ऑयल पसंद है उसका इस्तेमाल करना। अब मैंने डाला है बंदा गोभी, बंदा गोभी डाल के मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ सॉसेस। सबसे पहले मैंने डाला है सोया सॉस, उसके बाद टमाटो सॉस, रेड चिल्ली सॉस और यह शेजवान सॉस। लाल मिर्च और कूटी काली मिर्च डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना। यहाँ पे वीडियो थोड़ा सा स्किप हो गया पावर नहीं होने की वजह से, बट आप अच्छे से मिक्स कर लेना। मिक्स करके उसके बाद इसमें मंचूरियन बॉल्स डाल देना। मंचूरियन बॉल डाल के हमें अच्छे से मिक्स करना है ताकि सारे सॉसेस मंचूरियन बॉल में अच्छे से लग जाए, अदरवाइज़ उसमें टेस्ट अच्छे से नहीं आएगा। जब थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा उसके बाद इसमें हम लोग डालेंगे चावल। आप देख सकते हैं चावल काफ़ी ज़्यादा खिले खिले हैं। अब इनको डाल के हम लोग अच्छे से मिक्स करेंगे। चावल को हमने 75% इसलिए कुक किया है क्योंकि बाकी का हम लोग इसमें पकाने वाले हैं। अगर हम लोग उसी समय चावल को पूरा पका लेंगे तो यहाँ पे जब हम इसमें डाल के और पकाएंगे तो चावल खिचड़ी बन जाएगा, मतलब एकदम गीला गीला बन जाएगा। इस तरीके से बनाने से चावल एकदम खिले खिले बनते हैं, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। अब मैंने इनको अच्छे से मिक्स कर दिया है। यहाँ पे गैस का फ्लेम मीडियम हाई है और मैंने लगातार इसको 5 मिनट तक के मिक्स किया है ताकि सॉस और मंचूरियन बॉल्स, चावल, सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब ये काफ़ी अच्छे से भुन गए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, थोड़ा सा शक्कर और विनेगर। विनेगर की जगह आप चाहो तो आधा नींबू भी निचोड़ सकते हैं। डाल के मैं इनको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। रेसिपी अगर आपके पास लेफ्ट ओवर मंचूरियन बचा है तो आप उससे भी बना सकते हो, उससे बनाने से बहुत जल्दी बनेगा। यहाँ पे आप एक बार चेक कर लेना चावल अच्छे से कुक हुआ कि नहीं हुआ तो हल्का सा पानी छिड़क के फिर से उसे भून लेना। बट मेरे चावल पक गए इसलिए मैंने इसके ऊपर डाला है बारीक कटा धनिया पत्ती। अगर आपके पास स्प्रिंग ऑनियन है तो थोड़ा सा वो भी डाल देना। अब चावल एकदम अच्छे से बन गए, एकदम खिले खिले बन गए। मैं गैस का फ्लेम ऑफ करके अब मैं इसे करूँगी सर्व। आप भी ये टेस्टी यम्मी मंचूरियन फ्राइड राइस ज़रूर बनाइए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।